नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग का एडमिशन्स का ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट का लिंक चालू हो गया है, तो वो फॉर्म कैसे भरना है, ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें और उसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको ये लेफ्ट हैंड में एक ब्लू कलर का दिखेगा, फिल कैप राउंड फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर फॉर्म भरेंगे अपन। फॉर्म में इसमें क्या लिखा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट एंड कन्फर्म द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप राउंड फर्स्ट। आपको खुद से लॉगिन से क्या करना है, उसका आपका फॉर्म भरना है और उसके बाद वो फॉर्म कन्फर्म भी करना है। आपको किसी FC और ARC में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म वंस कन्फर्म शैल बी कंसिडर्ड, अगर एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म किया तो वो कैप राउंड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से फॉर्म नहीं भर सकते राउंड फर्स्ट के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है, वो सारे बच्चे ये ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑप्शन फॉर्म भरने जाओगे तो आप जो ब्रांच से हो तो कौन कौन से ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, उसका लिस्ट आएगा आपके सामने, ठीक है। फिर उसका लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। और एक बार वो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपके जो कॉलेजेस है वो कोर्सेज कंसिडर करिए, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर कोर्स है तो वो सिलेक्ट करने के बाद वो कोर्स कौन कौन से कॉलेज में है वो दिखेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए। और फिर जो जो आपको कॉलेज चाहिए उसको आपको क्या करना है, चेक बॉक्स में क्या करना है उसको टिक करना है। मतलब आपको सबसे पहले जो जो कॉलेजेस चाहिए वो एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलेजेस सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब जैसा आपका प्रिफरेंस है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार वो प्रिफरेंस आपका लग गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको कन्फर्म बटन दबाना है और कन्फर्म बटन दबाने के बाद आपको क्या करना है, उसका प्रिंटआउट लेना है। वो याद रखिए कि आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। ये बाकी के जो इंस्ट्रक्शंस है ST ST के लिए वो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको स्टार्ट फिलिंग बोलना है। स्टार्ट फिलिंग बोलने के बाद आपको दिखेगा ऐसे, ये स्टेट लेवल नंबर वगैरह दिखेगा यहाँ पे, और आपको कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है बस वो आपको क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आगे जाएंगे, इतने सारे कोर्सेस है जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट एडेड, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज चाहिए आपको, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज चाहिए, गवर्नमेंट एडेड चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कौन से चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर इसको आप सेव एंड प्रोसीड बोल के आगे जा सकते हो, ठीक है। तो लाइव ऑप्शन फॉर्म का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हड़बड़ी मत करिए, ठीक से आपका एक पेपर पे पूरा ऑप्शन फॉर्म का लिस्ट बनाइए और बाद में ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए बैठिए। ऐसे हवा में फॉर्म मत भरिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। थैंक यू।